प्रगत कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे टैली में किस तरह सिंगल लेजर क्रिएट करते हैं। तो सिंगल लेजर क्रिएट करने के लिए आपको यहां ध्यान देना होगा कि सिंगल लेजर क्रिएशन जैसे ही बात आती है तो लेजर हम बनाते हैं दो तरीके से। पहली चीज तो ये क्लियर कर लें कि लेजर को बनाने के लिए तरीके दिए गए दो, जिनमें से सिंगल और मल्टीपल। हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंगल लेजर क्रिएशन की। हमें जाना कैसे है या ऑप्शन तक हम पहुंचेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली की एरिया में जाते हैं, फिर अकाउंट्स इन्फो मेन्यू, और फिर वहां हम एक ऑप्शन चुनते हैं लेजर का। लेजर मेन्यू में या लेजर ऑप्शन कह लें, इस ऑप्शन में दो ऑप्शन मिलते हैं जिनमें से हमें सिंगल को चुनना है। सिंगल को चुनने के बाद हमें मिलते हैं कई ऑप्शन, लेकिन उनमें से चूंकि हम खाता बनाने जा रहे हैं, तैयार करने जा रहे हैं, इसलिए हमें चुनना है वहां क्रिएट ऑप्शन को। देन जैसे ही हम इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं क्रिएट का, हमारे सामने एक विंडो खुलती है स्क्रीन पर, और उस स्क्रीन में हमें जो कुछ फील्ड्स मिलती हैं, वो फील्ड्स के नाम यहां दिए गए हैं। वन बाई वन हम यहां इनके बारे में जानकारी लेंगे और उसमें वो इंफॉर्मेशन डालने के बाद जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं हमारा एक लेजर तैयार हो जाता है। सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं, ये फील्ड का नाम है नेम। नेम यानी यहां हमें किस नाम से खाता बनाना है। सपोज हम एक खाता बनाने जा रहे हैं सैलरी का, तो हमारे सैलरी खाते की बात हो रही है और सैलरी इसका नाम हुआ, सैलरी अकाउंट कहते हैं। अब ये नेम के सामने हमने सैलरी अकाउंट दे दिया। सैलरी अकाउंट जैसे ही हम यहां पे इंटर की का इस्तेमाल करते हैं, हमारे सामने दूसरी फील्ड आ जाती है और सेम नेम सैलरी यहां पे हमको दिखने लगता है, यानी ये सैलरी अकाउंट सेम हमको वहां नजर आता है। यहां हम चाहें तो इसको हम ना भी दें। एरियास का अर्थ ये हुआ कि उपनाम, हम यहां एक उपनाम भी रख सकते हैं अपने खाते का। जैसे हम इसे खोलना चाहते हैं तो हमने यस ए कर दिया, तो ये हो गया हमारा यस ए के नाम से। या हम आपको थोड़ा सा बता दें, यहां हमने डाल दिया सैलरी ऑफ वर्कर्स, सैलरी ऑफ वर्कर्स को हमने लिया और सैलरी ऑफ वर्कर्स हमारे खाते का नाम हुआ। अब हम इसको देना चाहते हैं इलियास में, तो इलियास में हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में एस ओ डब्ल्यू। दूसरी चीज आती है यहां पे कि अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये हमारा जो खाता है किस तरह का खाता है। उस प्रकार के खाते में अब यहां पे अंडर ऑप्शन में जब आते हैं तो यहां जरूरत पड़ती है ग्रुप्स की। तो चूंकि ये सैलरी ऑफ वर्कर्स, ये खाता हमारा खर्चे का खाता है, एक्सपेंस का खाता है, तो एक्सपेंस में भी हम यहां बात करें तो एक्सपेंस दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये दोनों तरीके के ग्रुप्स आपको टैली द्वारा बाय डिफॉल्ट बनाए हुए मिलते हैं। अब हमें क्या करना है, अंडर पे जैसे ही हम आते हैं तो हमारे दाएं तरफ विंडो की एक लिस्ट आती है, और जब हम उन ग्रुप्स के बारे में जानकारी हासिल कर चुके होते हैं तो हमें वहां चुनने में आसानी होती है। अब चूंकि सैलरी की बात है, सैलरी ऑफ वर्कर्स, तो यहां पे हम लेते हैं अंडर में क्या, तो ये हमारा हो जाता है इन डायरेक्ट एक्सपेंस। ये हमारा ग्रुप नेम है, ये हमने लिस्ट से चुन लिया। अगली बात आती है इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड। ये इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड में ऑप्शन आप देखेंगे तो यहां नो लिखा होगा। यदि आप इस खाते का रिलेशन इन्वेंटरी में भी दिखाना चाहते हैं तो आप यहां पे इस ऑप्शन को केवल यस कर देते हैं और आपका काम आगे बढ़ जाता है। देन आप करते हैं इंटर। इंटर करने के बाद ये सैलरी ऑफ वर्कर्स, चूंकि खाते में पते की बात होती है कि हमें एड्रेस देना है, पता देना है, तो किसी भी पार्टी का अगर